दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका ग्रुप सी और दोस्तों ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों उसकी संभावित कट ऑफ के बारे में कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। ये दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है बहुत ही सही बिल्कुल दोस्तों सटीक आंकड़ों पर दोस्तों आधारित है, बिल्कुल सही दोस्तों ये कट ऑफ आपकी तैयार की गई है, ठीक है। अब आप दोस्तों आपको देखना है कि आपके मार्क्स इतने के जो मैं बता रहा हूँ इसके बीच में बन रहे हैं तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी दोस्तों कट ऑफ होती है संभावित कट ऑफ होती है जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, ठीक है। अगर आपके 2-3 मार्क्स इससे कम भी बन रहे हैं मेरी कट ऑफ से तो दोस्तों आपका चयन फिर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके 2-3 मार्क्स कम या ज्यादा हैं तो भी दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर देखिए। इससे पहले मैं आप सभी की करता हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्टडी से दोस्तों संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जनरल ओबीसी एससी एसटी दोस्तों कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा इस बार ग्रुप डी में, ठीक है। इलाहाबाद देखिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि दोस्तों जो भी कट ऑफ है ये दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों मैंने सभी यहाँ पर पूरा पेपर का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर दोस्तों पूरा का पूरा पेपर भी देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया है और सभी स्टूडेंट से यहाँ पर पूछा है कितने मार्क्स आप लोग करके आए हैं सही सही, ठीक है। दोस्तों आप अपना यहाँ पर स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर नेगेटिव छोड़ के कितना स्कोर बना है, ठीक है। इस बार दोस्तों कोई भी एग्जाम हो चाहे सरल हो चाहे कठिन एग्जाम हो दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पर गलतियाँ होती रहती हैं, आप सभी जानते हैं। कितना भी दोस्तों सरल एग्जाम हो लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गलती कर ही देते हैं, ठीक है। दोस्तों सभी लोग गलती करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं सरल होने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर दोस्तों आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं और दोस्तों आप इस बार की हाईकोर्ट के दोस्तों एग्जाम में शामिल हुए हैं दोस्तों आपके 90 से दोस्तों सही क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं तो दोस्तों आप लोग जनरल से बिल्कुल यहाँ पर 100% आपका दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 2-3 नंबर यहाँ पर गलत कर देते हैं दोस्तों लोग बाग क्योंकि आपके सरल क्वेश्चन भी दोस्तों गलत हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों 90 से जब आपका ज़्यादा स्कोर है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पर कन्फर्म है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओबीसी की। अब दोस्तों ओबीसी में आप लोग यहाँ पर 85 से दोस्तों अधिक आपके क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं इस बार तो दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 85 लिया है, ठीक है। आपके 87 भी हो रहे हैं 88 भी हो रहे हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर सेव हैं और दोस्तों इससे आपके 1-2 नंबर कम भी अगर आपके हो रहे हैं तो भी आप यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर नंबर आ सकता है, ठीक है। और दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं एससी कैंडिडेट की, ठीक है। जो एससी कैंडिडेट दोस्तों इनके 80 से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर हो रहा है दोस्तों, ये दोस्तों आपका यहाँ पर 1-2 नंबर कम भी हो रहा है दोस्तों, प्लस माइनस यहाँ पर 2 कर लीजिए सभी में तो भी दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। दोस्तों एससी वालों के हमारे 80 के लगभग या 80 से दोस्तों आधे क्वेश्चन सही हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एसटीए कैंडिडेट की, ठीक है। एससी कैंडिडेट हैं दोस्तों आप लोग और आपके 75 से दोस्तों अधिक क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं सही सही या फिर आपके प्लस माइनस 2 हो रहे हैं यहाँ पर सभी में दोस्तों तो भी आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ बहुत से भाई लोग हमें पूछेंगे कि सर हमारे जो दिव्यांग लोग हैं दोस्तों उनके लिए कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। दोस्तों जो दिव्यांग लोग हैं दोस्तों उनकी भी दोस्तों हमारी कट ऑफ 70 से कम नहीं रहने वाली है, ठीक है। दोस्तों 70+ आप लोग दिव्यांग लोग हैं चाहे आप VH हो चाहे आप OH हो दोस्तों सभी के लिए यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों आपको हमारी कट ऑफ कितनी अच्छी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारी कट ऑफ थी जो भी आप सभी लोगों को दोस्तों पसंद आई है कि इतनी हो सकती है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद।